आज मुझे बड़ा दुख होता है कि आपने डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा को आतंकवाद बताया, डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायियों को आतंकवादी बताया। सभी देशवासियों को मेरा जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। मैं गौतम रत्ना अंबेडकर नेशन यूट्यूब चैनल से, और आज हमारे स्टूडियो में हमारे मेहमान हैं भदंत करुणाकर जी, जिनसे हम बात करेंगे। अभी कुछ ही दिन पहले जो बाबा रामदेव ने पेरियर, फूले और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की विचारधारा को जो शब्द इस्तेमाल किए हैं, जिसको वैचारिक आतंकवाद कहा है, तो भदंत करुणाकर जी आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। आप बताइए, आपका क्या विचार है इस बारे में, क्या राय है कि उन्होंने जो कहा है वैचारिक आतंकवाद है एक तरीके। मैं अंबेडकर नेशन यूट्यूब चैनल से बात कर रहे हैं आप अभी। मैं अंबेडकर नेशनल यूट्यूब चैनल से बोल रहा हूँ। आज मैं फिर लाइव पर हूँ। मैं सबसे पहले देश के सभी लोगों को जय भीम, जय भारत, जय संविधान। उसके साथ साथ जहाँ कहीं भी बाबा रामदेव जी बैठे हों, मैं उनको भी जय भीम, जय भारत और जय संविधान कहता हूँ। बाबा रामदेव जी, आपके स्टेटमेंट को सुनकर बहुत मानसिक हार्दिक पीड़ा हुई। आपको मालूम होना चाहिए ये वो देश का मसौदा है जिसने डॉक्टर अंबेडकर ने जिसको अपनी महान मेहनत से तैयार किया। 2 साल 11 महीने 18 दिन में इस भारत को चलाने के लिए बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान दिया, जिसने कड़ी मेहनत, बीमार होने के बावजूद भी अपने 4 बच्चों को बल की वेदी पर चढ़ाकर देश की सेवा की। आज मुझे बड़ा दुख होता है कि आपने डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा को आतंकवाद बताया, डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायियों को आतंकवादी बताया। आपको ये नहीं भूल जाना चाहिए, हर एक व्यक्ति की अपनी अभिव्यक्ति होती है। संविधान इस बात की इजाजत देता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, बिना धर्म के भी रह सकता है। कोई भी व्यक्ति कम्युनिस्ट हो सकता है, कोई भी व्यक्ति हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हो सकता है। एक धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में भी वो जा सकता है। आपको इस धार्मिक स्वतंत्रता को यदि आप थोड़ा सा पढ़े लिखे होते और आपने यदि डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ा होता, तो आज आपको ये कहने की आवश्यकता ना पड़ती कि डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा आतंकवादी है। आतंकवाद वो होता है जो जबरदस्ती दूसरे धर्म के लोगों को लेकर अपने धर्म का नारा लगाते हैं, उस धर्म के लोगों की मूछें मूड़ देते हैं, उस धर्म के लोगों के कपड़े फाड़ देते हैं। ये आपको क्या दिखाई देता है कि बैमूला अंबेडकर को मानता था लेकिन उसको सुसाइड के लिए मजबूर किया। आपको मालूम होना चाहिए राजस्थान में एक SC ST की लड़की के साथ बलात्कार हुआ। मुझे अफसोस है, आप कुछ पढ़ लिख लिया भी करो, अंबेडकर को आप पढ़िए, उसमें आपको मालूम पड़ेगा वो आतंकवाद नहीं, उनका जो मानवतावाद है उसमें, समतावाद है उसमें, भ्रातत्ववाद है उसमें, राष्ट्रवाद है उसमें। डॉक्टर अंबेडकर ने कभी भी राष्ट्र के खिलाफ, तो आपने ये तो बात कह दी कि डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा और डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाले लोग आतंकवादी हैं, लेकिन आपने कभी जो दलित, शोषित, पीड़ित लोगों की, OBC लोगों की साथ जो अत्याचार होता है उसके बारे में कभी नहीं कहा। लोगों के घर जला दिए जाते हैं उसके बारे में आपने कुछ नहीं कहा। लोगों की बहन बेटियों की इज्जत लूटती है उसके बारे में कभी नहीं कहा। बच्चों के साथ डिस्क्रिमिनेशन और भेदभाव स्कूल में होता है उसके बारे में कभी नहीं कहा। लेकिन आपको किताबें पढ़ने की फुर्सत कहाँ है, आप तो इधर टांग फेंकते हैं, उधर टांग फेंकते हैं, सारे दिन सांसें फुलाते हो, सारे दिन कलाबाजी करते हो, सारे दिन आप गप्पा गोष्ठी करते हो। अरे यार, रामदेव बाबा
कभी कभी कुछ किताब भी पढ़ लिया करो, अंबेडकर की पढ़ लिया करो, नहीं तो अंबेडकर ने 200-250 किताबें लिखी हैं, उसको पढ़ लिया करो। और कुछ भी ना पढ़ो तो संविधान को तो कम से कम पढ़ ही लिया करो। आपको मालूम नहीं है कि संविधान में आर्टिकल नंबर 14, आर्टिकल नंबर 15, आर्टिकल नंबर 13, आर्टिकल नंबर 17, इसमें हर व्यक्ति को किस धर्म को मानेगा किस धर्म को नहीं मानेगा यह उनकी अपनी स्वतंत्रता है। कोई किसी का ठेकेदार नहीं इस देश में, कोई जबरदस्ती किसी से किसी धर्म का नारा नहीं लगवा सकता, कोई भी व्यक्ति किसी से। यहां पर मॉब लॉन्चिंग हो रही है, आपने कभी नहीं बोला। 2 अप्रैल 2018 को यहां पर 12 बच्चे मारे गए, उसके बारे में आपने कभी स्टेटमेंट नहीं दिया। यहां पर ढेर सारी बहनों को नंगा घुमाया जाता है, ढेर सारे बच्चों के कत्ल किए जाते हैं, निर्दोष लोगों पर कोड़े बरसाए जाते हैं, निर्दोष लोगों की कपड़े उतारे जाते हैं, निर्दोष लोगों की गाड़ियां तोड़ दी जाती हैं। आपने कभी इसके बारे में नहीं सोचा। आपको मालूम होना चाहिए कि आप मनुवाद के चक्कर में आकर, मनुवादियों की बात मानकर आप ये सब काम कर रहे हैं। लेकिन याद रखो, समाज जा चुका है, पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी के लोगों में बुनियादी फर्क है। अब यहां पर मनुवाद नहीं चलेगा, संविधानवाद चलेगा, मानवतावाद चलेगा। बाबा साहब के संविधान के द्वारा एक बार तुम बाबा साहब के संविधान को पढ़ लो, आपको पता लग जाएगा कि संविधान क्या है। संविधान के बारे में आपको अध्ययन करना चाहिए। आपको मालूम बता दूं, ये कोई भी संविधान इस बात की इजाजत देता है कि वो किसी भी धर्म को मान सकता है, किसी भी चीज को मान सकता है। डॉक्टर अंबेडकर ने 2 साल 11 महीने 18 दिन में संविधान तैयार किया, और उस व्यक्ति को जिसकी वजह से देश चल रहा है, जिसकी वजह से तुम जैसे लोगों को, हम जैसे लोगों को ये संन्यास बनाने का आधार मिला है। अरे बैकवर्ड के और शेड्यूल कास्ट के लोगों को तो संन्यास धारण करने की आवश्यकता ही नहीं थी। आपने शायद श्लोक नहीं पढ़ा है, स्त्री शूद्रो नाद्यताम सवड़े जत पर परपूर्णाम धारणा शरीर भेद उच्चारण ज्याच्छेद। यदि कोई बैकवर्ड का आदमी, यदि कोई छोटी जाति का आदमी, यदि कोई SC ST का आदमी, यदि कोई भी ग्रंथ पढ़ता है उसकी जीव कटवा दो, कोई भी मंत्र सुनता है कानों में शीशा डलवा दो। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। और दूसरा ये बात है कि मूल निवासी विचारधारा मानवतावादी विचारधारा है, इंसान को इंसान से मिलाने का काम करती है। मैं आपसे कहता हूं, आप कौन होते हैं, कौन क्या मानता है, रामास्वामी नायकर क्या मानते थे क्या नहीं मानते थे, ये उनकी अभिव्यक्ति थी। देश इस बात की गवाही देता है, आदमी बिना धर्म के भी नास्तिक भी रह सकता है, आस्तिक भी रह सकता है, कम्युनिस्ट भी बन सकता है, ईसाई भी बन सकता है, हिंदू भी बन सकता है, सिख भी बन सकता है, ईसाई भी बन सकता है, बौद्ध भी बन सकता है। आप कौन होते हैं इस बात को कहने वाले कि रामास्वामी नायकर इसको नहीं मानते थे या उसको नहीं मानते थे। इसके मानने से क्या आतंकवादी आदमी हो जाता है? देश सारी दुनिया में लोग कम्युनिस्ट हैं, वो किसी भी धर्म को नहीं मानते, वो धर्म का फिल्म बताते हैं, क्या वो आतंकवादी हो गए, क्या वो कतली हो गए? अरे आतंकवादी तो वो लोग हैं जो जातिवाद के आधार पर लोगों का कत्ल कर रहे हैं, जातिवाद के आधार पर अपमानित कर रहे हैं, जातिवाद के आधार पर उनको नीचा दिखा रहे हैं। आपको बता दूं, आपने जो स्टेटमेंट दिया है ये ठीक नहीं दिया है। आपको इसके बारे में सारे देश से माफी मांगनी चाहिए। अरे कोई आदमी कुरान पढ़ता है या कोई बाइबिल पढ़ता है, आप कौन होते हैं? वो उसकी आस्था है, वो उसकी निष्ठा है। लेकिन आप लोगों का एक ही है कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाओ। लेकिन हम बता देते हैं, ये अब हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, हिंदू राष्ट्र नहीं, केवल ये भारत रहेगा, केवल ये इंडिया रहेगी। इसके बाद कोई राज किसी भी धर्म का, कल मुसलमान कहेंगे कि इसे कुरानिस्तान बनाओ, कल ईसाई कहेंगे कि इसे बाइबिलिस्तान बनाओ, ऐसा नहीं होगा। ये धर्म से मुक्त देश है, कोई भी धर्म को, किसी भी समाज को, धर्म आपकी हमारी व्यक्तिगत चीज है, व्यक्तिगत मान्यता है। आप अपने घर में मान सकते हो, आप अपने बच्चों को बता सकते हो, लेकिन सारी दुनिया के लोगों पर आप किसी भी धर्म के सिद्धांत को थोप नहीं सकते। ये धर्म निरपेक्ष देश है। धर्म निरपेक्ष का मतलब है कोई आदमी कुछ भी माने। अरे आतंकवादी उसको कहा जाता है जो निर्दोष लोगों को AK-47 लेकर मारता है, और टेररिस्ट उसको कहा जाता है जो पुलिस पर हमला करता है, टेररिस्ट उसको कहा जाता है जो निर्दोष लोगों को माना जाता है, टेररिस्ट उसको कहा जाता है जो समानांतर सरकार चलाते हैं, जो देश के संविधान को नहीं मानते हैं। दलित समाज, सारे देश का आदमी, बहुजन समाज के लोग बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को मानते हैं, उनकी आस्था इस देश के। अरे आतंकवादी तो वो लोग हैं जो देश का रुपया लेकर भाग गए, आतंकवादी वो लोग हैं जो छुआ
छूत मानते हैं। आतंकवादी वो लोग हैं जो दूसरे के धर्म पर हमला करते हैं। आतंकवादी वो लोग हैं जो इंसान को बराबरी का अधिकार नहीं देते हैं। आतंकवादी वो लोग हैं जो आदमी के साथ डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव करते हैं। आतंकवादी वो लोग हैं जो स्कूल में मासूम बच्चों के साथ भेदभाव करते हैं, जो नौकरी में भेदभाव करते हैं, किसी सार्वजनिक स्थान पर भेदभाव करते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा समस्त भारत के लिए, जिस दिन आप डॉक्टर अंबेडकर को आतंकवादी बताओगे, डॉक्टर अंबेडकर के लोगों को आतंकवादी बताओगे, अरे ये कभी आतंकवादी नहीं रहे, इनकी आस्था भारत में रही है, भारत के संविधान में रही है, इस देश में रही है, करुणा मैत्री में ये विश्वास करने वाले लोग हैं। डॉक्टर अंबेडकर को आतंकवादी वो लोग थे जिन्होंने डॉक्टर अंबेडकर को, जिसमें कुत्ते बिल्ली पानी पी सकते थे लेकिन डॉक्टर अंबेडकर को पानी पीने नहीं दिया। आतंकवादी वो लोग थे जो डॉक्टर अंबेडकर के साथ ऊंचे पद पर रहने के बाद भी वो लोग भेदभाव करते थे। ये सदियों की गुलामी की दास्ता जब तक जाति रहेगी तब तक जुल्म रहेगा। लेकिन बाबा रामदेव, आपने कभी जातिवाद के खिलाफ नहीं बोला कि कोई आदमी छोटा नहीं है, कोई आदमी बड़ा नहीं है। यदि बोला था तो केवल बुद्ध ने बोला था 2500 वर्ष पहले। उन्होंने कहा था, न जच्चा वसलो होती, न जच्चा होती ब्राह्मणो, कम्मनो वसलो होती, कम्मनो होती ब्राह्मणो। कोई जन्म से न ब्राह्मण होता है न शूद्र होता है, कर्म से ही ब्राह्मण होता है, कर्म से शूद्र होता है। लेकिन लोगों ने इस बात को बना लिया, अरे बाबा रामदेव आप कभी ब्राह्मण नहीं हो सकते, आप बैकवर्ड रहेंगे। आप चाहे कपड़ा पहनो, नीला कपड़ा पहनो या पीला कपड़ा पहनो या आप जो भगवा वस्त्र पहनो, लेकिन लोग जानते हैं कि आप जहां से आए हो। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो आपने अंबेडकर को आतंकवादी बताया है, रामास्वामी नायकर की एक अपनी विचारधारा थी, कम्युनिस्टों की अपनी विचारधारा है, बुद्धिस्टों की अपनी विचारधारा है, ईसाइयों की अपनी विचारधारा है, क्या तुमसे विचारधारा उधार लेंगे? क्या तुम जो बताओगे वो करेंगे? क्यों करेंगे? ये थोड़ा अंबेडकर को और रामास्वामी नायकर को बाबा जी पढ़ो, क्योंकि आप पढ़ने लिखने का तो टाइम आप है नहीं, सुबह शाम आप टांग फींकते रहते हो और आपके पास ये कलाबाजी करते रहते हो। अरे कलाबाजी तो हमारे नट लोग ही सबसे अच्छी कर लेते थे, वो तुमसे अच्छा योगा कर देंगे, तुमसे अच्छा शरीर दिखा देंगे, तुमसे अच्छा वो योगा कर सकते हैं, व्यायाम कर सकते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। लोगों को आदर्श दो, लोगों को विचार दो, लोगों को संदेश दो। ये देश में समता कैसे है, इस देश में भाईचारा कैसे बने, इस देश में ऊंच नीच कैसे बने, इस देश में सभी लोग समान तरह से कैसे जी सकें। इस देश में भारतीय संविधान को लोग बदलने की बात कर रहे हैं। भारतीय संविधान, बाबा जी जिस दिन मनुस्मृति आ जाएगी उस दिन तुम्हारा ये पीला चोला उतर के कहीं अंत दिखाई देगा। कहने का मतलब ये है कि ये मनुवाद को लाने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपने ही लोग हैं जो उसमें घुसे हुए हैं। आपको बता दूं, ब्राह्मणवाद की लाश को आप लोग ढो रहे हैं, ब्राह्मणवाद की छुआछूत की लाश को आप लोग ढो रहे हैं। मनुवाद अब नहीं आ सकता, मनुवाद यहां पर नहीं चल सकता, अब यहां पर समतावाद चलेगा। ये देश किसी धार्मिक ग्रंथ से नहीं चलेगा, ना कुरान से चलेगा, ना बाइबल से चलेगा, ना त्रिपिटक से चलेगा, ना रामायण गीता से चलेगा। ये देश चलेगा मेरे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान से, और जब तक ये धरती और आसमान रहेंगे तब तक ये देश चलाए। जब कोई आदमी किसी अपने धर्म ग्रंथों से देश चलाएगा, देश उस दिन टूटेगा, देश में आतंकवादी उस दिन पैदा होंगे। संविधान को एक बार हटा के देखो, संविधान इस देश का मसौदा है, संविधान इस देश की जान है, संविधान इस देश की शान है, संविधान इस देश को चलाने का एक तरीका है। संविधान सारे लोगों को समता के भाव से जीने का अधिकार देता है, अपनी अभिव्यक्ति का अधिकार देता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, बाबा रामदेव जी आप कहीं भैंस गाय चरा रहे होते, आप बाबा नहीं बन सकते थे। आपको मैं बाबा तो मानता नहीं, आप व्यापारी हो सकते हैं, सन्यासी नहीं हो सकते। जो सन्यासी होते हैं, इतने किसी भी धर्म के सन्यासी हो, वो व्यापार नहीं करते हैं, कोई वो नहीं करते हैं, कोई प्रोडक्शन नहीं करते हैं। मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, देश के लोगों से, बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट माइनॉरिटीज के लोगों से, और जो भी एससी एसटी के लोग हैं, बाबा रामदेव का प्रोडक्ट कोई भी ना खरीदे और उसको तिलांजलि देकर कहीं दूसरी जगह से खरीदो, क्योंकि ये बाबा रामदेव की विचारधारा, मुझे मालूम नहीं था कि बाबा रामदेव तुम इतने कुंठित विचारों के होगे, इतने संकुचित विचारों के होगे, इतने संकीर्ण विचारों के होगे। मुझे मालूम नहीं था कि डॉक्टर अंबेडकर को और डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायियों को तुम इतनी नफरत करते हो। हमको मालूम पड़ गया तुम्हारा विचार, हम तो आपको जानते थे कि आप साधु हैं, सन्यासी हैं और बैकवर्ड से आए हैं। हम सोच रहे थे कि ये आदमी कुछ हमारे समाज का कल्याण करेगा, लेकिन आपने डॉक्टर अंबेडकर और रामास्वामी नायकर के बारे में, मूल निवासियों के बारे में जो कहा है, ये समाज कभी आपको माफ नहीं करेगा। जय भीम।
नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान, बाबा रामदेव, फिर आपको जय भीम करता हूँ, क्रांतिकारी जय भीम। यदि जय भीम न होते तो आप आज साधु न होते, जय भीम न होते तो आज व्यापार न करते, जय भीम नहीं होते आपके बच्चों को, आपके समाज के बच्चों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं रहता। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान में आपको अधिकार दिया। संविधान को पढ़ो, कसरत करना बंद करो, ये टांग फींकना, कलाबाजी बंद करो, कुछ किताब पढ़ लो डॉक्टर अम्बेडकर के, 22 वॉल्यूम है, 22 वॉल्यूम अपने यहां मंगा लो और उनको पढ़ो। डॉक्टर अम्बेडकर की धनंजय कीर की किताब है, बुद्धा इन धम्मा, अम्बेडकर लाइफ एंड मिशन, हुबर द सूत्राज, अंटचेबल्स, कास्ट इन इंडिया, अरे कभी इनको भी पढ़ लिया करो, जो तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे पूर्वजों के ऊपर हजारों साल से जातिवाद के कारण जुल्म अत्याचार हुआ है। तुमको पढ़ने का अधिकार नहीं था, अच्छे रास्तों पर चलने का अधिकार नहीं था, तुमको खाने का अधिकार नहीं था, पहनने का अधिकार नहीं था, और कोई तुमको पूछकर करेगा क्या? वो क्या मानता है, क्या नहीं मानता है, किसका नारा लगाता है? अरे वो रामास्वामी नायकर यदि राम को नहीं मानता है, कोई मुसलमान राम को नहीं मानता है, ईसाई राम को नहीं मानता है, बुद्धिस्ट राम को नहीं मानता है, तो उसमें आपकी क्या आपत्ति है भाई? वो उसकी अपनी मान्यता है, जबरदस्ती लठ मार के आप जबरदस्ती कहलवा रहे हो। अरे रामास्वामी नायकर का अपना विचार था, अपना एक दर्शन था, चार बाग का दर्शन था, चार बाग के दर्शन में तो खाओ पियो मौज उड़ाओ, किसी धर्म को नहीं मान, कम्युनिस्ट का धर्म है कि कम्युनिस्ट की विचारधारा है कि वो धर्म को अफीम कहता है, क्या मार डालो सारे कम्युनिस्टों को? ऐसा नहीं है, आप अपनी अभिव्यक्ति संभालिए। ये देश, सारी दुनिया बहुत बड़ी है, इस दुनिया में जो भी चलता है विचारों से चलता है, हर एक आदमी की अपनी अपनी विचारधारा, अपनी अपनी आइडियोलॉजी, अपना अपना कॉन्सेप्ट, अपना अपना धर्म, अपनी अपनी विचारधारा है, सबको उस तरीके से जीने दो। आपको कोई हक नहीं है डॉक्टर अम्बेडकर को बारे में कुछ कहने का, रामास्वामी नायकर के बारे में कुछ कहने का। इन्हीं शब्दों के साथ मैं देश के तमाम लोगों को अपनी शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात इस अम्बेडकर नेशन ट्यूब चैनल पर मैं गौतम जी को, गौतम रतन जी को अपना आशीर्वाद देता हूँ। आप लोग इसको सुने और इस पर मंथन करें, चिंतन करें। बाबा रामदेव जी इस ये आपका देश चल जाएगा, देश तो संविधान से चलेगा, योगा से नहीं चलेगा, देश तो संविधान से चलेगा, इस तुम्हारी कलाबाजी से नहीं चलेगा, देश एक विचारधारा से चलेगा, देश एक कॉन्सेप्ट से चलेगा, देश कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगा। ये बाबा जी इसको जानने का प्रयास करो, यदि ना हो तो संविधान और डॉक्टर अम्बेडकर के वॉल्यूम्स मैं आपको भेज दूंगा, आप मुझे बता देना, मैं आपके पास आ जाऊंगा देने के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ तुम्हारी भी सद्बुद्धि आए बाबा रामदेव, और आप संकुचित विचारधारा से, संकीर्ण विचारधारा से और बाहर निकल कर आओ, देश को देखो, समाज को देखो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना इंटरव्यू देते हुए सभी को मंगल कामनाएं करता हूं। सभी देशवासियों को मेरा जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। मैं गौतम रत्ना अम्बेडकर नेशन यूट्यूब चैनल से, आप हमारे चैनल पर जाकर के भदंत करुणाकर जी का इंटरव्यू देख सकते हैं।